मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, काउंसिलर हूँ, व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 2.5 साल से एज अ साइकियाट्रिस्ट काम करता हूँ। मेरा पैशन है कि लोगों को मेरे लेक्चर्स के द्वारा अवेयर कराऊँ, उनको मैं इन्फॉर्मेशन दूँ ताकि जो साइकेट्री के पेशेंट्स है और रिलेटिव्स है उनको जानकारी मिल सके साइकेट्री के बीमारियों के बारे में। आज मैं आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी है उसके बारे में बताने वाला हूँ, उसका नाम है स्किजोफ्रेनिया। स्किजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण पेशेंट की जो कॉग्निशन है, मतलब थिंकिंग पावर है, जो इमोशन है, जो बिहेवियर है और थिंकिंग जो है वो सब खराब हो जाता है। इमोशन, कॉग्निशन, थिंकिंग, बिहेवियर, इसमें सब पे परिणाम पड़ता है, वो बीमारी का नाम है स्किजोफ्रेनिया। स्किजोफ्रेनिया बहुत ही कॉमन बीमारी है और लगभग 1% पॉपुलेशन को ये पूरी दुनिया में होती है, मतलब पूरी इंडिया में 1% पॉपुलेशन को ये बीमारी है। स्किजोफ्रेनिया ये बहुत ही यंग लोगों से में पाई जाती है। 16 से 20 ये उम्र में स्किजोफ्रेनिया नाम की बीमारी होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है। मेल और फीमेल ऐसा कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं है, वो मेल में भी हो सकता है या फीमेल में भी हो सकता है। स्किजोफ्रेनिया ये बीमारी होती क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स। ऐसे कोई जीन्स है जिसकी वजह से अगर पेरेंट्स को ये बीमारी होती है तो बच्चों में भी स्किजोफ्रेनिया होने के जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं। इसका मतलब स्किजोफ्रेनिया ये जेनेटिक बीमारी है। सेकेंड है इन्फेक्शन। बहुत सारे ऐसे वायरल ऑर्गेनिजम्स है जिसके होने के कारण स्किजोफ्रेनिया की जो बीमारी है वो हो सकती है। तीसरा कारण है केमिकल हाइपोथेसिस। डोपामाइन, सीरोटोनिन, एसिटिलकोलीन, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स है जिसके कम या ज्यादा होने की वजह से स्किजोफ्रेनिया की जो बीमारी है वो होने की संभावना ज्यादा है। अल्कोहल, निकोटीन, मतलब शराब या तंबाकू, ऐसे जो व्यसन है उसके कारण वश भी स्किजोफ्रेनिया की बीमारी हो सकती है। ऐसा देखा गया है कि जिनकी फैमिली होस्टाइल होती है, मतलब जहां बहुत ज्यादा झगड़ा चालू है, बहुत मारपीट है, बच्चों पे गुस्सा किया जा रहा है, भाई बहन में झगड़ा हो रहा है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है, बहुत क्राउडेड फैमिलीज है, पनिशमेंट दिए जा रहे हैं, उसमें स्किजोफ्रेनिया होने की संभावना बढ़ती है। इसलिए हमेशा ऐसा कहा गया है कि जब बच्चों पे हम संस्कार करते हैं तब ये ध्यान दिया जाए कि बच्चों पे ज्यादा गुस्सा ना करें, बच्चों पे ज्यादा मारपीट ना करें, बच्चों को पनिशमेंट ना दे, बच्चों का क्रिटिसिज्म ना करें। ऐसा करने से स्किजोफ्रेनिया की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। स्किजोफ्रेनिया के प्रकार कौन से हैं? स्किजोफ्रेनिया के प्रकार बहुत सारे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पैरानोइड स्किजोफ्रेनिया। और बहुत सा ऐसे पुरुष और महिलाएं हैं जिनको पैरानोइड स्किजोफ्रेनिया है। इसमें पेशेंट को अपने आजू बाजू वालों के लोगों पे, स्पेशली बीवी पे या हस्बैंड पे शक होने लगता है। अभी हाल ही 2 ही दिनों पहले मैंने एक पेशेंट देखा था जिसको अपने वाइफ पे शक था। उसको शक था कि उसके वाइफ के बहुत सारे मल्टीपल अफेयर्स है, फिजिकल रिलेशनशिप्स है, और वो हर जगह जाके चेक रखता था कि ये मेरी बीवी कहाँ जा रही है, किसको मिल रही है, मोबाइल चेक करता था। जब सोता था तो उसको लगता था कि मेरी बीवी उठ के भाग जाएगी, खुद को और बीवी के हाथ को चेन में बांध के रखता था, अंदर से घर को लॉक करके रखता था और हमेशा शक करता था। तो इसको बोलते हैं पैरानॉइड बिहेवियर, पैरानॉइड स्किजोफ्रेनिया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको लगता है कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में लोग मैसेजेस भेज रहे हैं, लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझे पुलिस मारेगी, मुझे पकड़ के लेके जाएगी या मेरा मर्डर कर देगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई ना कोई शक या वहम तैयार होता है, उसको बोलते हैं पैरानॉइड स्किजोफ्रेनिया। ये पैरानॉइड स्किजोफ्रेनिया जो स्पेशली अल्कोहल लेते हैं उसमें ये पैरानॉइड साइकोसिस बहुत ही कॉमनली हमें देखने को मिलता है। सेकेंड है डिसऑर्गेनाइज्ड स्किजोफ्रेनिया। डिसऑर्गेनाइज्ड स्किजोफ्रेनिया ये हमें जब रास्ते पे हम चलते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग दिखते हैं जो फटे फटे कपड़े, बाल बराबर नहीं, दाढ़ी बड़ी हुई, जो मन ही मन में बड़बड़ा रहे हैं, तो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है डिसऑर्गेनाइज्ड स्किजोफ्रेनिया। डिसऑर्गेनाइज्ड स्किजोफ्रेनिया में हम कॉमन भाषा में लुनसी या इडियोसी ऐसा बोलते हैं या मोरॉन्स बोलते हैं। बहुत सारे डिसऑर्गेनाइज्ड स्किजोफ्रेनिया हम मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड स्किजोफ्रेनिया को चीजें समझ नहीं आती,
कैसा रहना है, कैसा बिहेव करना है, नहाना है कि नहीं, खाना खाना है या बराबर या नहीं, ये उनको समझ में नहीं आता। वो अपने हिसाब से अपने दुनिया में ही रहते हैं, जो हमको जो खुद को लगा वो करते रहते हैं, खुद से बड़बड़ाते रहते हैं, पागल जैसे घूमते रहते हैं, कोई भी कुछ भी दिखा दो खाते रहते हैं। मेजॉरिटी डिसऑर्डर या स्किजोफ्रेनिया को अगर सोशल सपोर्ट मिलता है तो ये पेशेंट्स डेफिनेटली अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे समाज की जो तैयारी हुई है उसमें डिसऑर्गेनाइज स्किजोफ्रेनिया को हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। जैसे ही पेशेंट को मालूम पड़ता है कि ये जैसे ही रिलेटिव्स को मालूम पड़ता है कि ये पेशेंट पागल है तो लोग उसे धक्के मारकर घर के बाहर निकाल देते हैं और उसे कोई सोशल सपोर्ट मिलता नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट स्किजोफ्रेनिया है कैटाटोनिक स्किजोफ्रेनिया। कैटाटोनिक स्किजोफ्रेनिया डायग्नोस नहीं हो पाता। बहुत सारे ऐसे फिजिशियंस हैं वो कैटाटोनिक स्किजोफ्रेनिया को मेडिकल कंडीशन समझ के भर्ती करते हैं, एडमिट करते हैं, अलग अलग प्रकार की दवाई देते हैं, लेकिन फिर बाद में उनको ये ध्यान में आता है कि ये हमारे बस में नहीं है और बाद में वो साइकेट्रिस्ट को रेफर करते हैं। कैटाटोनिक स्किजोफ्रेनिया में पेशेंट एक जगह खड़े रहता है, पूरा रिजिड हो जाता है, इमोबाइल हो जाता है, अलग अलग पोजीशंस बनाता है, पोस्चर मेंटेन करता है, अगर सोया है तो सोया ही रहेगा, अगर खड़ा है तो खड़ा ही रहेगा, घंटों सोया रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, रिजिडिटी आ जाती है। ऐसे पेशेंट्स को अर्जेंटली एडमिट करना जरूरी है। लोराजेपाम ये ड्रग ऑफ चॉइस है। जब पेशेंट्स को हम एडमिट करते हैं और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी मतलब ECT देते हैं तो पेशेंट में रिमार्केबल रिजल्ट्स हमको दिखाई पड़ते हैं। हाल ही में 5 ही दिन पहले हमने एक 20-year-old फीमेल को हमने एडमिट किया था जिसको हमने कैटाटोनिक स्किजोफ्रेनिया डायग्नोस किया था। ये पेशेंट को एडमिट करने के बाद, ECT देने के बाद और लोराजेपाम देने के बाद पेशेंट 10 दिनों में अच्छी हो गई। इतने मिराकुलस रिजल्ट्स कैटाटोनिक स्किजोफ्रेनिया में देखे जा सकते हैं। अगला स्किजोफ्रेनिया है सिंपल स्किजोफ्रेनिया। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बराबर बात करते हैं, सोशली उठते बैठते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, गाली गलौज नहीं करते, लेकिन उनमें एक ही प्रॉब्लम है, वो कोई फंक्शन नहीं करते, वो काम धंधे पे जाते नहीं। जब हम काम के बारे में बात करते हैं तो वो चिढ़ जाते हैं, गुस्सा करते हैं, मारा मारी करते हैं, लेकिन यदि उनको कोई तकलीफ ना दे तो पेशेंट एकदम खुश रहता है, अपने आप में घूमते रहता है, घर पे बैठे रहेगा, बाहर कहीं जाएगा नहीं, काम धंधा करेगा नहीं। बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि एक्चुअली बीमारी है। बहुत सारे पेशेंट्स अब धीरे 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 हमारे पास साइकेट्रिस्ट के पास आने लगे हैं और हम जब उनको ट्रीटमेंट देते हैं तो पेशेंट धीरे धीरे अच्छे होते हैं। अगला स्किजोफ्रेनिया है अर्ली स्किजोफ्रेनिया। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ये बीमारी बहुत ही कम एज में हो रही है, 8, 9, 10 साल की उम्र में भी ये अर्ली स्किजोफ्रेनिया की बीमारी हो रही है। ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसे बहुत सारे फीमेल्स हैं जिनको 50, 60, 65 साल के बाद ये बीमारी आजकल हो रही है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं 70 के लगभग उम्र होती है जिनको यही सिम्टम्स हमको देखने मिलते हैं और इनको ट्रीटमेंट करने के बाद पेशेंट अच्छा हो सकता है। अगला स्किजोफ्रेनिया है पोस्टपार्टम स्किजोफ्रेनिया। ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वाइटल स्किजोफ्रेनिया है। पोस्टपार्टम स्किजोफ्रेनिया मतलब प्रेगनेंसी और डिलीवरी होने के बाद होने वाला स्किजोफ्रेनिया, जिसको बोलते हैं पोस्टपार्टम स्किजोफ्रेनिया। डिलीवरी होने के बाद बॉडी में ऐसे कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, ऐसे कुछ इंस्टेबिलिटी आ जाती है जिसके कारण पेशेंट को साइकोटिक अटैक आते हैं। जब ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जब हम इनको दवाई देते हैं और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी मतलब ECT देते हैं जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है पोस्टपार्टम साइकोसिस में, तो पेशेंट बहुत ही अच्छे से मिराकुलसली रिकवर होता है। जो लास्ट स्किजोफ्रेनिया है वो है पोस्ट स्किजोफ्रेनिया डिप्रेशन। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो स्किजोफ्रेनिया से गुजर चुके हैं लेकिन अब उन्हें डिप्रेशन आया है, मतलब उदास लग रहा है, काम धंधे में मन नहीं लग रहा, सेक्सुअल इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे चीजों में, ऐसे पेशेंट्स में एंटी साइकोटिक्स के साथ में एंटी डिप्रेशन देना भी बहुत जरूरी है। जब हम ये पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं तो पेशेंट्स की इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली होती है। ये रहा स्किजोफ्रेनिया के बारे में। मैं अगले वीडियो में आपको सिम्टम्स ऑफ स्किजोफ्रेनिया के बारे में बताऊंगा। तब तक ये वीडियो देखिए, ये वीडियो को लाइक करिए, ये वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो। मैं जल्द ही अगला वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू।